हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार स्टडी सेंटर। मैं अभिषेक भारती, जीके जीएस के टॉपिक्स के साथ कुछ महीनों में आने वाले एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बिहार फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस एसआई, एसएससी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनसे एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस लेक्चर में दिए गए सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वक्त दिया जाएगा और साथ ही साथ इनका आंसर भी बताया जाएगा और आप इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तभी सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपडेट्स के लिए वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 वाज गिवन टू, ये 2020 का है तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। जी हाँ, मिसेस मरियाना वी वर्डिनोशिस और डॉक्टर मोरसांडा क्योटे। हमारा दूसरा प्रश्न है मोहन बेगन। जी हाँ, मोहन बेगन अवार्ड 2020 किसको दिया गया था, इस साल मोहन बेगन अवार्ड किसे दिया गया था, इनका भी आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, वो कौन है, गुरबख्श सिंह जिन एक हॉकी के खिलाड़ी हैं और पलाश नैंडी जो कि एक क्रिकेटर है। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है द रैंक ऑफ इंडिया इन जनरेशन ऑफ ई वेस्ट एज पर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2020 जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 जो है, इंडिया किस पायदान पे है, यह है तीसरा। पहले पायदान पे कौन है, पहले पायदान पे है चाइना और दूसरे पर कौन है, दूसरे पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है द स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया कमिटी हेडेड बाय, ये किसने गठन किया है, ये किया है डीपी सिंह ने। ठीक है, और ये चेयरमैन भी है, यूजीसी के चेयरमैन भी है डीपी सिंह। फिर आते हैं हम अब नेक्स्ट प्रश्न पे। अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एट, अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से शहर को डेडिकेट दिया गया, वो दिया गया था रेवा। रेवा कहाँ है, एमपी में। ठीक है, हमारा छठवां प्रश्न है द 13-year-old गर्ल फ्रॉम हु हैज बीन चूजन बाय UNADAP टू बी इट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर, कौन थी वो, वो थी एम नेथ्रा। ये कहाँ की थी, ये थी तमिलनाडु की, जिन्होंने कि अपने सेविंग से 5 लाख रुपए, जी अपने सेविंग से 5 लाख रुपए कोरोना पेंडेमिक में किनको दे दिया, माइग्रेंट्स को डोनेट कर दिया, माइग्रेंट्स जो आए थे उनको डोनेट कर दिया। ठीक है, और सातवां प्रश्न है वंदे उत्कल जननी इज, ये क्या है, वंदे उत्कल जननी क्या है, ये एक पेट्रोटिक पोयम है, ये कहाँ का पेट्रोटिक पोयम है, उड़ीसा का। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको पेट्रोटिक पोयम ऑफ बिहार, तो ये नहीं होगा क्योंकि बिहार मेंशन हो गया है, तो ये किसका होगा, पेट्रोटिक पोयम या फिर पेट्रोटिक पोयम ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और इसको किन्होंने लिखा है, ये इनको लिखा है कांता काबी लक्ष्मी कांता महापात्रा। जी हाँ, किसने लिखा है, नाम लिख देते हैं हम इनका, कांता काबी एल मोहापात्रा। जी हाँ, इन्होंने लिखा है। मराठा प्रश्न है गरीब कन्या कल्याण रोजगार अभियान वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, ये कहाँ से बिहार में कहाँ से ये निकला था, ये निकला था कहाँ से निकला था, ये खगड़िया, खगड़िया के कौन से ब्लॉक में, ये विलेज से बात, ये विलेज था तेलाहर और ब्लॉक था बेलदौर। ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी ने इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया था फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रूरल माइग्रेंट्स वर्कर रिटर्न फ्रॉम अफेक्टेड बाय COVID-19। अब हमारा अगला प्रश्न है द फर्स्ट स्टेट विच हैज लॉन्च FIR आपके द्वार योजना, यानी कि घर घर जाकर FIR, ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया था, ये क्या था, मध्य प्रदेश ने। ठीक
ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर डेट इनकॉर्पोरेट्स द डी आयोनाइजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय, ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था, ये किया गया था थालापिल प्रदीप, ठीक है, ये एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, ठीक है, जिन्होंने कि 2 पैसा पर लीटर पानी देने का प्रॉमिस किया था इसमें, जो कि ये स्टार्ट हो गया और ये प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, ये नॉर्मल प्रश्न है कि किन्होंने फाउंड किया था, ये धर्मपाला में किया था, ठीक है, जो क्या भागलपुर शहर में है, बिहार में स्थित भागलपुर शहर में स्थित है, ठीक है। हमारा 12वां प्रश्न है, द ट्री स्पीसीज मोस्ट कॉमनली यूज इन सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री मतलब होता है कि किसी प्लॉट के एक ही टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं इन एन ह्यूज अमाउंट, ठीक है, तो वो कौन से हैं, किसके कौन से पेड़ को कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री में कॉमनली यूज होते हैं, वो होते हैं यूकलिप्टस, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती बेंड एंड मेड अ क्राइम, सती जो है यानी कि सती प्रथा, जब किसी का किसी महिला के पति का देहांत हो जाता था तो उसे भी उनके साथ जिंदा जला दिया जाता था या मार दिया जाता था, ये था सती प्रथा, ठीक है। तो ये कब बैन हुआ था, ये हुआ था 1829 में, और इसको बैन किसने किया था, विलियम बेंटिक ने, ठीक है, कब हुआ था 1829 में और बैन किसने किया था, विलियम बेंटिक में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं, व्हेन डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी ओकर इन बंगाल, एक तरह का ट्रेजेडी हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसको मतलब कि ये कोई साइंटिफिक ब्लैक होल वो नहीं है जो हम लोग मतलब देखते हैं कि एक काला सा होल होता है उसमें तारे या हमारी पृथ्वी समा जाएगी, वो वाली नहीं है, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी ओकर्स इन बंगाल जो है, ये एक सिराज उद्दौला थे जिनको प्रेजेंट 146 ब्रिटिशर्स प्रिजनर इन एन एयरलेस रूम, यानी कि एक कमरा था, ठीक है, एकदम फुल्ली टाइट, नो विंडो नो डोर, यानी कि एयर इन और एग्जिट का कोई सोर्स नहीं था, उसी में 146 ब्रिटिश प्रिजनर को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण कि उनकी दम घुटने से देहांत हो गई थी। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 20 जून 1756 में, ठीक है। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन ओपन्ड इन इंडिया, सबसे पहला टेलीग्राफ लाइन ओपन कहाँ हुआ था ये इंडिया में, ये हुआ था 1853 में कलकत्ता टू आगरा, हुआ था 1853 में कलकत्ता टू आगरा। हमारा 16th प्रश्न है, मैकमोहन लाइन इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन, मैकमोहन लाइन जो है वो किन 2 देशों के बीच का एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, वो है इंडिया एंड चाइना के बीच का ये लाइन, जो कि मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अ वुंड स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन कॉल्ड, जब घाव होता है, जब चोट लगती है और जब खून निकलता है तो ब्लड क्लोटिंग जो होते हैं यानी खून का जो जमाव होता है वो रुक जाता है, तो वो किस कारण से होता है या फिर किस कौन से प्रोसेस से होता है, वो उसको कहते हैं कोगुलेशन, क्या कहते हैं इसको, कोगुलेशन। हम 18वां प्रश्न है, द लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसने लिखी है, ये किसे कहा जाता है, ये रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, और ये किसने लिखी है, लिखा है, ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, इन्होंने लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉयल इज मोस्टली फाउंड इन स्टेट्स ऑफ इंडिया, मेनली जो है मोस्टली ब्लैक सॉयल कहाँ मिलता है, ब्लैक सॉयल में कौन से क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं, वो होते हैं कॉटन, तो ये कौन से मेनली कौन से स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, कौन से हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि वेस्टर्न और साउथ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। हमारा 20वां प्रश्न है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक को किससे मेजर्ड होता है, वो होता है मॉडिफाइड मेरिकली स्केल से इंटेंसिटी मेजर्ड होता है, ठीक है, यानी कि तीव्रता से हम मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल जो है यानी कि आप उसको रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कह सकते हैं, इससे क्या मेजर होता है, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड
और मेजर अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ सिस्मिक एनर्जी, यानी कि परिमाण मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड से मेजर किया, सिस्मिक मैग्नीट्यूड स्केल से क्या मेजर करते हैं कि अमाउंट ऑफ सिस्मिक एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्विक, एक अर्थक्विक से कितने हमारे सिस्मिक एनर्जी रिलीज हो रहे हैं वो हम मेजर करते हैं रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल से, ठीक है। और सिस्मोग्राफिक जो होते हैं, यहाँ पे सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको, सिस्मोग्राफिक या सिस्मोमीटर, ठीक है, इससे हम क्या मेजर करते हैं, यूज टू डिटेक्ट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्विक, यानी सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर, ये दोनों एक ही है, ठीक है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, टू यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्विक, हम इससे रिकॉर्ड या डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके तीन क्वेश्चन एक साथ कवर हो गए हैं। अगला प्रश्न है, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोसफेयर वेयर द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि वो कौन सा एटमोसफेयर जहाँ पर एयर प्लस वाटर प्लस लैंड तीनों सर्वाइव करते हैं, जिसको कि हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर लाइफ जोन एग्जिस्ट है, वो उसको क्या कहते हैं, वो होते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 जनगणना के हिसाब से कौन सा स्टेट भारत का आबादी के में तुलना में ज़्यादा आबादी है, वो कौन सा स्टेट है, वो है बिहार। कितने हैं, 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग हैं, और दूसरे पे कौन है, वेस्ट बंगाल, इनका कितना घनत्व, 1029, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लैनेट्स आर, प्लैनेट जो ग्रह होते हैं वो किस तरह के बॉडीज हैं, वो हैं ल्यूमिनस बॉडीज विच डू नॉट ट्विंकल, इस तरह के बॉडीज हैं वो, ल्यूमिनस बॉडीज विच डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। मून जो होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होते हैं, मतलब कि वह बॉडी विच, मतलब कि वह बॉडी एक खुद जो एक खुद से साइन नहीं करता है, वो किसी के हेल्प से वो साइन करता है, जैसे कि मून किससे किसके हेल्प से साइन कर रहा है, वो सन की रोशनी की वजह से वो साइन करता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, द सॉफ्ट बबल लुक कलर्ड व्हेन व्यू इन वाइट लाइट ड्यू टू, जो सॉफ्ट बबल यानी कि जो साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो कलर्ड दिखते हैं जब हम उसको हम एक प्योर वाइट लाइट से देखते हैं, वो किस कारण से होता है, वो होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, किस कारण से होता है, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय थिन एयर, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहते हैं द लाइट रेज गेट डिविएटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, यानी कि जब कोई लाइट जा रहा हो और वो किसी मीडियम पे जब पड़ता है, या तो वो डेविएट कर जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, और स्ट्राइक ऑन ऑब्स्टेकल्स लाइक डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स, तो उसको वो तो वो क्या कहते हैं, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होती है, कि मूविंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि रेडियो वेव हो गए, यूवी वेव हो गए, ये सब उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, वो किस मीडियम से वो ट्रांसफर या मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, द बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज मिक्सर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, जो बायोगैस जो हम यानी हम गोबर गैस भी कहते हैं, काउडंग से बनता है वो, इसमें जो गैस वो मिक्सर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो होते हैं मीथेन और CO2, कौन से होते हैं, CH4 और CO2, मीथेन और CO2, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर गुड क्रॉप ऑफ वीट, यानी कि गेहूं के उपज के लिए किस तरह के जो कंडीशंस हैं वो होने चाहिए, तो ये फॉरेस्टर्स के लिए, फॉरेस्टर एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके लिए क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, ये वीट के लिए होता है, बट पैडी जो होती है इसके धान कहते हैं, पैडी के लिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ये धान के लिए होता है, यानी कि ये बारिश के मौसम में होता है, ठीक है, इसको कि हम पैडी बोलते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है, ये मैच के लिए है, करेक्ट लिस्ट के लिए है, ठीक है। मैच लिस्ट में आपका लिस्ट वन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और लिस्ट टू में जो है फोरमोस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट
जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं या जो हैं वो कौन से भारत के कौन से राज्य में उनकी सबसे अधिक खेती होती है या उपज होती है। तो इसमें पहला क्या है, कॉटन। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्योंकि कॉटन कॉटन कौन से सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल मेनली कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे क्या है, गुजरात है। तो ये कहाँ पे होते हैं कॉटन, गुजरात में। अब देखते हैं हमारा एक सही हो गया, तो हम ऑप्शन में आएंगे कि जब ए का टू है तो सिर्फ हमारे पास दो ही बचते हैं, ए और बी, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब आगे हम आते हैं ग्राम। ग्राम मतलब जो बड़े दाल सब जो होते हैं वो, उसकी खेती कहाँ होती है, उसकी खेती होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं ऑप्शन में कि बी में भी मध्य प्रदेश है और सी में भी मध्य प्रदेश है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ब्लैक पीपर जो सब्जियों में डालते हैं ना, ब्लैक पीपर उसको काली मिर्च कहते हैं, वो उसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो होते हैं केरला में, क्योंकि जो भी मेरे हमारे मसाले होते हैं मैक्सिमम वो साउथ इंडिया में ही होते हैं। तो ये क्या है, ये एक मसाला है, वो इससे खेती कहाँ होती है, ये होती है केरला में। ठीक है, केरला यानी कि सी का फोर। सी का फोर कौन सा है ये, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए यानी कि ए का टू, बी का वन, सी का फोर और डी का थ्री, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम आते हैं अगले प्रश्न में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपीआर इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं वो किस चीज़ को कवर करता है। इसको ऑल द एबव कवर करता है, पेटेंट भी करा सकते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फिर कॉपी राइट भी होता है, इस पर बुक्स की कॉपी राइट हो गई। फिर एक ट्रेडमार्क होती है जो किसी कंपनी के लोगोस टाइप के होते हैं, ट्रेडमार्क उनके। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन। जीन में जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन से डिजीज को करते हैं, वो करते हैं हेमोफीलिया, इसको करते हैं हेमोफीलिया। ये क्या होता है, बाय क्लोटिंग ऑफ प्रोटीन। ये किस कारण से होता है, बाय क्लोटिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और अगला प्रश्न, अंडर विच लॉ लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। अभी जो हमारे भारत में जो मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल की वजह से, वो कौन से कानून को इम्पोज करते हैं, कौन से कानून के अंडर आता है, वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में भी आता है। और ये हमारा फर्स्ट लॉकडाउन कब हुआ था, ये हुआ था 21 डे के लिए हुआ था, ये कब हुआ था, 24 मार्च 2020, ठीक है, कितने दिन के लिए हुआ था, 21 दिन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, द इनरॉन प्रोजेक्ट इज ए, ये एक इनरॉन प्रोजेक्ट है, ये किस चीज के लिए है, ये गैस फायर पावर प्रोजेक्ट, ये किस चीज के लिए है, गैस फायर पावर प्रोजेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। जो हमारा जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम है जिसको कि मीन टाइम से लेके चलते हैं, तो वो इनको किसने इन्वेंट किया था, वो किया था सैनफोर्ड फ्लेमिंग, इन्होंने किया था सैनफोर्ड फ्लेमिंग, जिन्होंने कि उनकी वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था 24 जोन में। कितने जोन में, 24 जोन में वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था, जिसको कि टाइम जोन भी कहते हैं, ठीक है। एंड ईच वन इज कवरिंग 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, सपोज डेट ये है तो ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया। जो वर्टिकल होते हैं वो लॉन्गी मतलब लंबा, और लैटिन मतलब लेटा हुआ सोया हुआ, ठीक है, ये लैटिट्यूड। इसको जो है 15 15 डिग्री में डिवाइड कर दिया गया था इस तरह से, ठीक है, ये 15 15 डिग्री में करके डिवाइड कर दिया था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द फेनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, वो होता है CO2, होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, दिस डे येलो लैंप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इन दिस लैंप्स। जो हमारे स्ट्रीट लाइट होते हैं वो येलो लैंप, येलो कलर के जो लाइट होते हैं उसमें यूज होते हैं, उसमें किस तरह के गैसेस जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या होगा, सोडियम, क्या होता है, सोडियम, या फिर इसको सोडियम वेपर भी आप कह सकते हैं, सोडियम वेपर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जो क्या है, ये लाइट करते हैं, इज एन ऑरेंज और येलो। अब मरकरी या फिर मरकरी जो होते हैं वो
तरह करते हैं वो व्हाइट लाइट एम्बिडिनेंट लाइट होते हैं, ठीक है, इसको के मरकरी वेपर पल्प भी बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, द सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्ट सनराइज बिकॉज ऑफ, सूरज उगा भी नहीं होता है फिर भी हमें सन विजिबल होते हैं, मतलब कि आपके आपके पास रोशनी आपके आपके तक रोशनी नहीं पहुंचती फिर भी सन विजिबल होते हैं सनराइज से पहले ही, क्यों ये होते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो आपको पहले ही पता चल जाती है कि सवेरा होने वाला है। इसका मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट एज दे पासेस फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर, क्योंकि जैसे कि अब सन से जो लाइट आते हैं वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करते हुए आप तक पहुंचते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के रूप में आते हैं, ठीक है, तो वो वहां से आपको दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन, हमारा जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड है वो बढ़ रहा है तो वो किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, वो किस करता है, वो क्या है, इस पे बेस्ड है वो है डॉपलर इफेक्ट, इस पे है वो डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट इनको किसने दिया था, वो क्रिस्टियन डॉपलर एडविन ने दिया था, ठीक है, क्या क्या नाम था उनका, क्रिस्टियन डॉपलर एडविन हवल यूज द डॉपलर इफेक्ट टू डिटरमाइन इट, ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। और रमन इफेक्ट किसने दिया था, ये सी वी रमन ने दिया था, जिनको कि 1930 में फिजिक्स के लिए पहला नोबेल प्राइज भी मिला था, कब मिला था 1930 में, और कौन से फील्ड में मिला था, फिजिक्स में, किस चीज के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। हमारा अगला प्रश्न, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी श्री मावो बेंडर ने, ये कहाँ की थी, ये श्रीलंका की थी। ये कब बनी थी, ये बनी थी 21 जुलाई 1960 को ये प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ द, किस आर्टिकल के अंडर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो होते हैं आर्टिकल 124, कौन से आर्टिकल है 124 और क्लॉज 2, आपको ध्यान रखना है कि क्लॉज 2 124 के अंडर क्लॉज 2 होते हैं उसके अंडर अपॉइंट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन वास्क ड्यूरिंग द पॉपुलेशन इनुमरेशन इन सेंसस ऑफ 2011, 2011 के जनगणना में जो प्रश्न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पूछे थे वो कितने थे, वो थे टोटल 28 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, जो सर्वे में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं घर घर जाके वो 28 थे। हमारा अगला प्रश्न है, लॉन्गेस्ट एनएच इन बिहार, बिहार का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, वो है NH 31, कौन सा है, NH 31, और ये कितने किलोमीटर लंबा है, ये 393 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, इंडिया का 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या, मतलब जंगल राज कितना है या फिर जंगली क्षेत्र कितना है, वो है 6877.41 square kilometer, कितना है 6877.41 square kilometer, ये आपको एग्जाम में राउंड फिगर में भी दिया जा सकता है कि 6880 हो सकता है या फिर 6900 हो सकता है, ये एक राउंड फिगर में भी आपको दिया जा सकता है, मगर इसके आसपास वैल्यू, मगर जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें मेंशन कितना किया गया, 6877.41 square kilometer, ठीक है, जो क्या 7.73% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट के, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम इज मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ बिहार, यूरेनियम जो है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में मिला जाता है बिहार के, वो मिला जाता है गया, कहाँ पाया जाता है, गया में, लेकिन जो सबसे पहला जो इंडिया में वो यूरेनियम माइंस था वो कहाँ पाया गया था, वो पाया गया था झारखंड में, झारखंड के कौन से जगह, जादूगुंडा, क्या था, जादूगुड़ा या गुंडा डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था, ठीक है, इन द ईयर 1951, ठीक है। अगला प्रश्न है, द ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टेब्लिश महात्मा गांधी इन द ईयर, ये कब किया गया था, ये
1932 में ये किया था, और ये किया गया था किस रेस्पॉन्सिबिलिटी से, टू इरेडिकेट मतलब कि खत्म करना था अनटचेबिलिटी ऑफ इंडिया, मतलब छुआछूत की बीमारी को खत्म करना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, किंग्सवे कैंप इन दिल्ली विद ब्रांच ऑफ 26 स्टेट्स अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, ये था रॉबर्ट क्लीफ के, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम किनके अधीन था, ये रॉबर्ट क्लीफ के। ठीक है, द अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड लिस्ट, ये गुप्ता पीरियड में यानी कि पोस्ट मतलब गुप्ता पीरियड काल के थोड़ा बाद जो है वो जो जमीन जो होती थी उसके ओनरशिप अल्टीमेटली किसके अंडर में होता था, वो होता था किंग के अंडर में, जो वहाँ के राजा थे उन्हीं के अंडर में वो जमीन रहती थी। और अगला प्रश्न है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग्स, ठीक है ये कौन से किससे बिलोंग करते हैं, ये करते हैं साक्यास से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, साक्यास से। ठीक है, और अगला प्रश्न, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब सरेंडर किया था उनको कौन सा उपाधि से सम्मान किया दिया गया था, वो था केसरी हिंद, याद रखिएगा केसरी हिंद, हिंद केसरी अलग है ठीक है, लेकिन और केसरी हिंद ये इससे इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द यूएस ऑफ स्पिनिंग व्हील चक्र बिकम कॉमन ड्यूरिंग, चक्र जो जो अशोक चक्र कहते हैं जो कि अभी हमारे नेशनल एम्बल में और फ्लैग में भी हैं, वो कॉमन कौन से समय कौन से काल में था, वो था 14th सेंचुरी में ये कॉमन था। ठीक है, अशोका काल में था जहाँ से ये लिया गया था। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ गौतम बुद्धा वाज, क्या किस लैंग्वेज में इनको ये था, इनका इनका था पाली लैंग्वेज, क्या था पाली, पाली एक सेक्रेट लैंग्वेज होता है किस किसी भी सम रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, पाली जो है वो हिंदू और बुद्ध के एक सेक्रेट मतलब पवित्र लैंग्वेज है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत, किसके नाम पर कुतुब मीनार को बनाया गया था, किसके याद में बनाया गया था, वो था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके याद में बनाया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनको इनको बनाने के लिए स्टार्ट किसने किया था, इनको बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको कंप्लीट किसने किसने किया था, इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश, किसने किया था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आ भी सकते हैं और पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की सुविधा के लिए जाल स्टडी सेंटर की टीम ने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप किया है, ठीक है क्रिएट किया हुआ, आप उस पर जाकर इसके PDFs ले सकते हैं, आपको इस लेक्चर के PDFs जो है नोट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा, जहाँ से आप सारे लेक्चर्स और हमारे जो भी इम्पोर्टेंट PDFs टॉपिक्स हैं बुक्स के PDFs सारे आप वहाँ से मिल जाएंगे। धन्यवाद।